नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आपके सामने रोल ऑफ स्कूल सोशल वर्कर इन स्कूल्स पर एक लेक्चर देने वाली हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी लर्नर्स को बहुत बेनिफिशियल होगा। आज हम इस पर बात करेंगे, आज हम क्या क्या सीखेंगे हम इस पर बात करेंगे। आपके समक्ष स्कूल सोशल वर्कर क्या होते हैं, है ना, स्कूल सोशल वर्कर का क्या कॉन्सेप्ट है, हम इस पर बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ स्कूल सोशल वर्कर एंड रोल ऑफ स्कूल सोशल वर्कर टूवर्ड्स टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट एंड स्कूल के विषय में हम बात करेंगे। आप इस टॉपिक को जब हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्कूल सोशल वर्कर क्या होते हैं। ठीक है, तो स्कूल सोशल वर्कर जो होते हैं, जो स्कूल सोशल वर्क जो होता है, वो समाज कार्य का एक विशेषीकृत क्षेत्र में से संदर्भित है, एक विशेषीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत जो स्कूल सोशल वर्कर होते हैं वो स्कूल में जो बच्चे स्टूडेंट जो है उनके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, आपको दो यहाँ पे शब्द दिख रहा होगा, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और रेड कलर में, और एक आपका दिख रहा है एकेडमिक पोटेंशियल। तो जो स्कूल सोशल वर्कर होते हैं वो जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके साइकोलॉजिकल जो अपब्रिंगिंग है ना, उनकी जो फंक्शनिंग है उसके रिगार्डिंग और उनके एकेडमिक पोटेंशियल, इन दोनों पर क्या करते हैं, उनको मेंटर की तरह गाइड करते हैं। अब इसमें दो चीज़ जो है, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो विद्यार्थी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने गया है वो किसी उसका पर्सनल इश्यूज कुछ चल रहा है ना, पर्सनली किसी भी बात से काफ़ी डिस्टर्ब है, उसका इम्पैक्ट उसके एजुकेशन पर पड़ रहा है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा एकेडमिक पोटेंशियल, एकेडमिक पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल का मतलब होता है कि हर व्यक्ति, हर मानव का विभव अलग अलग होता है। किसी को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, कोई स्टूडेंट है उसको नृत्य में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को गायन में इंटरेस्ट है। तो अगर हम किसी को बस इस पर कर दें कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, तो ये उसके लिए क्या हो जाता है, ड्रामा की तरह हो जाता है। तो यहाँ पे स्कूल सोशल वर्कर कहीं ना कहीं एक ब्रिज की तरह काम करता है, पेरेंट्स के साथ भी काम करता है, उस बच्चे के साथ भी काम करता है, वो जो संस्था है उसके साथ भी काम करता है, टीचर के साथ भी काम करता है, कि वो इसी को बताता है कि हाँ इस बच्चे का ये नीड है। इस पर एक बहुत चर्चित मूवी भी आई थी, तारे जमीन पर, आमिर खान अभिनीत, आपने देखा भी होगा। तो कैसे उस बच्चे को प्रॉब्लम होती है और उस चीज़ को कोई समझ नहीं पाता है और लोग उसको डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, अब हम जब हिस्ट्री पे अब आप बात करते हैं तो स्कूल सोशल वर्क इंडिया में, भारत में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुआ था 21वीं शताब्दी के अंतर्गत, और इस सन 1970 में स्कूल सोशल वर्कर जो होते थे उनको अपॉइंट किया गया है ना, अमेरिकन स्कूल मॉडल के तहत, कि अमेरिका जो मॉडल था वो काउंसलिंग के बेस पे था, है ना, उसी बेस पे ही इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। उसको केरला के 800 स्कूल में इम्प्लीमेंट किया गया, कि केरला के 800 स्कूल थे जहाँ पर कि स्कूल सोशल वर्कर को नियुक्त किया गया ये, और उसकी जो कैपेसिटी थी, जो उनके काम करने का तरीका था और उसका जो इम्पैक्ट निकला बच्चों पर, ये बहुत पॉजिटिव निकला। क्योंकि ये जो स्कूल सोशल वर्कर जो थे वो कहीं ना कहीं अमेरिकन मॉडल, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा, तो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच जो कार्ल रॉजर्स की थी उसके पैटर्न पर वो काम करते थे। तो इस तरह से, और यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको मेंशन कर दूँ, ICPS, ठीक है, ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत, है ना, स्कूल सोशल वर्कर को एज ए काउंसलर के रूप में अपॉइंट करने की बात की गई। अब हम स्कूल सोशल वर्कर एज ए ब्रिज, एक पुल की तरह कैसे काम करता है, किसके किसके बीच में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्कूल सोशल वर्कर टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट और स्कूल के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कूल सोशल वर्कर का जो रोल है वो टुवर्ड्स टीचर, टीचर की तरफ कैसे है। तो पहले तो उनको समझना पड़ेगा कि टीचर्स की क्या क्या इश्यूज हैं। तो टीचर का इश्यूज सबसे पहले ये हो जाता है कि बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, फिर आपका जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अनसेटिस्फैक्ट्री सैलरी, फिर इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स जॉब, अगर वो परमानेंट नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है अपने जॉब को लेकर, ठीक है, एंड लैक ऑफ कोहेजन अमंग टीचर्स ग्रुप, जो टीचर का अपना जो एक कलीग ग्रुप है उसमें भी कहीं ना कहीं सामंजस्यता की क्या होती है, कमी होती है। इन सारे इश्यूज का जो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है वो ये पड़ता है कि नो हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, है ना, लर्निंग सिनेरियो में हेल्दी एनवायरनमेंट फिर क्या होता है, बिल्डअप नहीं हो पाता है। फिर बायसनेस, कहीं ना कहीं टीचर बायसनेस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप टीचर की साइकोलॉजी में देखिए तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है,
और डिस्टर्ब साइकोलॉजी से आप किसी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट निगेटिव ही आएगा। फिर टोटल नील एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, है ना, वर्क एफिशिएंसी क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है अगर उसको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है या वो अनसेटिस्फेक्शन जोन में है तो। नेक्स्ट है कि नो गुड क्वालिटी इन टीचिंग स्टाइल, वो टीचिंग स्टाइल में कोई भी नया और कुछ क्रिएटिव जो स्टाइल होता है उसको अपने अंदर लाना नहीं चाहेगा, न तो उस बच्चों को सिखाने में उसके अंदर तत्परता रहेगी कि बच्चों को कैसे सिखाऊं। तो यहाँ पे रोल तो ऑफ सोशल वर्कर क्या हो जाता है, एज ए एजुकेटर, एज ए इनेबलर, एज ए मोटिवेटर, एज ए काउंसलर एंड एज ए एडुकेट। एडुकेट क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम को सुनेगा और कंसर्न अथॉरिटी को क्या करेगा, बताएगा, है ना, कि भाई जो भी उनके बोर्ड मेंबर्स हैं उन तक उन टीचर्स की प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ स्कूल सोशल वर्कर टुवर्ड्स स्टूडेंट, स्टूडेंट के प्रति रोल ऑफ सोशल वर्कर क्या है, ठीक है, स्कूल सोशल वर्कर का क्या कर्तव्य है। तो पहले तो स्टूडेंट के इश्यूज को समझेंगे, है ना, एज लाइक जैसे हमने टीचर्स के लिए समझा। तो यहाँ पर फीलिंग आइसोलेशन, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डिस्टर्ब फैमिली से आए हैं, डिस्टर्ब फैमिली मतलब कि ब्रोकन फैमिली, जिनके माता पिता अलग हो चुके हैं या डिवोर्स हो चुका है, दोनों साथ में नहीं है, उनको पेरेंटिंग क्या कहते हैं कि वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है जैसा वो अन्य बच्चों का हो रहा है, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन का भावना आ जाता है। स्टेटस फोबिया, कुछ बच्चों को रिच एंड पुअर वाला हो जाता है कि उनको उस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है कि उनको फील होने लगता है कि नहीं हमारे पास ये चीज नहीं है, तो हैविंग एंड हैव नॉट के कॉन्सेप्ट में बच्चे आ जाते हैं और उससे भी क्या होता है इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, कभी कभी क्या होता है बच्चा 80% लग रहा है तो पेरेंट्स के ऊपर से और दबाव हो रहा है कि नहीं 80% क्यों, 90%, 90% आ गया तो 95%। तो ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स का, ये बच्चों के लिए बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो जानलेवा भी साबित हुआ है, कई बच्चे इस वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। कंपटीशन, एक हेल्थी कंपटीशन ना होना, और एग्जाम प्रेशर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे कि जिसमें कि एग्जाम प्रेशर इतना बच्चों पे हावी हुआ कि बच्चे, कुछ बच्चे मर्डर तक कर दिए कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, इस तरह के कई सारे केसेस देखे गए हैं। मिसबिहेव ऑफ पीयर ग्रुप, जब पीयर ग्रुप जो जिन बच्चों के साथ वो पढ़ रहे हैं जो उनके सहपाठी साथ के हैं, अगर वो उनके साथ क्या करते हैं, उनको अपने साथ मिक्सअप ना करें, उनके साथ ना खेले, उनके साथ ना बैठे, तो अवहेलना या कॉम्प्लेक्स उनको फील कराए, तो वहाँ पे भी बच्चों का साइकोलॉजिकल क्या होता है, मोरल डाउन हो जाता है। जेंडर आइडेंटिटी इशू, कुछ बच्चों में ये भी होता है कि उनको अपने जेंडर के प्रति ही वो सेंसिटिव, उनको खुद ही नॉलेज नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये कुछ स्टूडेंट के इश्यूज हैं और ये इश्यूज कैसे अब उनके पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करता है, जैसे सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग, वो बच्चा अपने फीलिंग्स को किसी के सामने रिवील नहीं करेगा, बताएगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेगा। डिप्रेस्ड माइंडसेट, उसका माइंडसेट हमेशा डिप्रेस्ड रहेगा, सुसाइडल एक्टिविटीज करना चाहेगा, स्ट्रगल, स्ट्रगल में हमेशा अपने आप को बहुत निगेटिव थॉट क्रिएट्स होंगे उसके दिमाग में। सम मर्डर केसेस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एज एग्जाम्पल फॉर द पोस्टपोनिंग एग्जाम्स। फिर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा रहेगा और कंफ्यूजिंग अबाउट सेक्सुअल आइडेंटिटी कॉजिंग क्राइम, जो कि उसके वजह से क्राइम भी हो जाता है। तो ये तो कुछ इम्पैक्ट हो गए, है ना, उन बच्चों को कि किस तरह से उन बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जैसे ये इम्पैक्ट जब पड़ रहा है तो इसका कहीं ना कहीं सोसाइटी पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बच्चे कहीं ना कहीं अभी से इतने डिस्ट्रक्टिव माइंड के हो गए तो उनका बिहेवियर क्या हो जाएगा, एंटी सोशल बिहेवियर हो जाएगा, तो हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरे के रूप में दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि एक स्कूल सोशल वर्कर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल सोशल वर्कर जो होते हैं यहाँ पे वो कैसे काम करते हैं, एज ए काउंसलर, एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो बच्चे थोड़े से किसी चीज़ में दक्ष हैं तो उनके उन दक्षता उनके उस पार्ट को क्या करता है, सामने लाता है। किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है, किसी की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, कोई स्टोरी राइटिंग करता है, तो उन बच्चों का जो वो क्षमता, पोटेंशियल मैंने कहा क्षमता, वो क्षमता जिसके बारे में शायद वो बच्चा भी अभी बहुत क्लियरली जान नहीं रहा है, उस क्षमता को उसको बताना, उसको सामने लाना, तो ये स्कूल सोशल वर्कर का क्या होता है, रोल हो जाता है। फिर एज ए साइकोलॉजिस्ट, है ना, एज ए साइकेट्रिक सोशल वर्कर, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लास्ट सेक्स एजुकेटर के रूप में क्या करता है, स्कूल सोशल वर्कर काम करता है। फिर नेक्स्ट आपका रोल ऑफ स्कूल सोशल वर्क टुवर्ड्स पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के प्रति भी जो स्कूल सोशल वर्कर का जो रोल है बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स एक एज एक 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 दूसरे एक एज के ग्रुप में है, है ना, एक अलग फेज में है, तो उनको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे को ऐसे ही पाला था, हाँ, तो जब मुझे ऐसा पाला गया तो उनकी अपब्रिंगिंग, तो उनको कहीं ना कहीं अपने अपब्रिंगिंग पे बहुत मतलब कॉन्फिडेंट रहता है, और वो कॉन्फिडेंट इस लेवल का होता है कि जल्दी उस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम सही जा रहे हैं। और लेकिन
उनको कब भान होता है, जब उनका बच्चा कुछ सुसाइडल अटैक कर लिया या कुछ अटेम्प्ट कर लिया या कुछ ऐसा जब चीज होता है, तब उनको लगता है कि नहीं कुछ तो गलत जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत होने से पहले हम एक चेतावनी दे दे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। कहीं लास्ट में मानो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट किया, शायद वो नहीं रहा, तो उसके बाद हम चेंज होकर भी क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पे पेरेंट्स के साथ बहुत चैलेंजिंग रोल होता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने जो बच्चों को पाल रहे हैं तो वो उनके हिसाब से वो बहुत अच्छा पाल रहे हैं। ठीक, क्योंकि उनको तो उसी तरह से, अगर वही उनका भी अगर देखा जाए हिस्टोरिकल, तो शायद वैसे ही लालन पालन किया गया। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, समझना पड़ेगा भी, कि आप जब सामाजिक वातावरण था उस समय का और आज के समय का काफी अंतर है। पहले हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था, पहले हमारे हाथ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज हमारे हाथ पे टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया से बच्चे भी जुड़े हैं, तो बच्चे सोशल मीडिया का प्लस मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव हर तरह से यूज कर सकते हैं, हर तरह से उनको पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अपने से, अपने जो परिवेश है उससे तुलना करके अपने बच्चों को पालना कैसे गलत हो जाता है, एक ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रोल ऑफ स्कूल सोशल वर्कर कितना इम्पोर्टेंट है, आप समझिए। तो यहाँ पे पेरेंट्स के साथ क्या इश्यू होती है, सबसे पहले तो पेरेंटिंग इश्यूज ये हो जाती है कि लैक ऑफ कोहिजन, सामंजस्यता की कमी होती है, जिसको कि आजकल नाम भी दिया गया है कि जैसे अगर ऐसे देखा जाए तो ये मतलब बच्चा अपनी माँ से ही कुछ नहीं शेयर कर रहा है, पिता से ही शेयर नहीं कर रहा है, अगर ब्रोकन फैमिली की स्थिति है तो बच्चा और भी आइसोलेटेड हो जाता है, और यहीं पे आगे बढ़ते बढ़ते जब वो किशोरावस्था में आता है तो जनरेशन गैप का नाम दे दिया जाता है। तो अगर पेरेंटिंग बहुत ही स्ट्रांग वे में हो तो आई थिंक कि जनरेशन गैप वाली स्थिति से आप बच सकते हैं, बच्चा सबसे पहले आपको बताएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे इस डर से कुछ नहीं बताते हैं कि घर जाएंगे बताएंगे तो सबसे पहले मार खाएंगे। हाँ, तो डर, ये पनिश का डर है ना, दंड का डर उनके अंदर इतना ज्यादा है कि वो कोई भी बड़ा से बड़ा अपराध कर लिए और सबसे, और घर में छुपे बैठे रहते हैं कि नहीं हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर से डर तब हटेगा जब सोशल वर्क का एक मॉडल होता है लव मॉडल, उसके बिहाफ में जब पेरेंट्स काम करेंगे। और लव मॉडल के कॉन्सेप्ट को कौन समझेगा, स्कूल सोशल वर्कर समझाएगा। तो नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्सिटी, कहीं ना कहीं ह्यूमन जो मानव व्यवहार है वो कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब कहीं ना कहीं बहुत जटिल है। किसी का बेटा बन गया, आईएएस बन गया, या किसी का लड़का क्लास में फर्स्ट आ गया, तो अब पेरेंट्स का अपने बच्चे पे क्या प्रेशर है कि वो कैसे आ गया, उसको भी तो 24 घंटा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है 24 घंटा है उसके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी, लेकिन एक पोजिशन पे कोई एक ही बच्चा आ सकता है, 40 बच्चे हैं, आप 40 बच्चों को आप कैसे कर सकते सब एक पोजिशन पे आ जाए। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा है, आपको उसकी पोटेंशियल को समझ के आपको उसमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो कभी कभी ये भी होता है, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा एक्टिंग में है, डांसिंग में है, नृत्य में है, स्पोर्ट्स में है, अगर इसके रिगार्डिंग अगर देखिए तो एक बहुत चर्चित मूवी आई थी MS धोनी की, कितना स्ट्रगल करना पड़ा है ना, उसके फादर जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, और फिर बाद में जब वो दिखाता है कि हाँ भाई वो मतलब टॉप लेवल के क्रिकेटर बन जाते हैं, तब वो उनके फादर, मूवी के बीच में दिखाया गया है, इसको बोला भी गया है कि हाँ मतलब वो, उनको लगता है कि हाँ मैं आई वॉज रॉन्ग है ना, मैं गलत था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, अब या तो इतना स्ट्रगल, और यही स्ट्रगल कम हो जाएगा कब, जब स्कूल सोशल वर्कर आपको क्या करेगा, मीडिएट करेगा, और वो आपको क्या किया कि स्टूडेंट और पेरेंट के बीच में मीडिएट करके इस चीज को क्या किया, समझा दिया, तो शायद ये स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाता है, शायद वो चीजें और जल्दी अचीव हो जाती। कल्चरल बैरियर है ना, कुछ चीजें कल्चरल बैरियर के अकॉर्डिंग होती है, जैसे मान लो कि ऐसा भी है कि ये अदर कास्ट है, इस तरह की चीजें होती है ना, कि चूंकि वो अपने घर परिवेश में साथ इस तरह के माहौल देखे हैं तो वो अपने बच्चों पर भी इस तरह के माहौल को थोपना चाह रहे हैं। हाँ, अगर तो इन सब छोटे छोटे चीजों पे क्या होता है कि स्कूल सोशल वर्कर उनको सही गलत का और वैल्यू, एक वैल्यू जो होती है ना, वो चीज को क्या करता है कि आभास करता है। फिर है पर्सनल फैक्टर सर्व एज ए अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब जो भी उनके अंतर्गत पर्सनल, जैसे आप, मैंने क्या कहा कि एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया बहुत स्ट्रगल की में रह काम किया तो वही सब स्ट्रगल मेरा बच्चा भी देखे, या हमें मौका नहीं दिया गया तो हम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुष्टिकरण, हाँ मतलब मैं ये नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हो सकता है आपके बच्चे का बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तो इस तरह के प्रेशर को और इस तरह के जो साइकोलॉजिकल जो चीजें होती हैं, इन सब पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल सोशल वर्कर, क्योंकि वो फिर वहाँ पे एज ए एजुकेटर, एज ए इनेबलर, एज ए मोटिवेटर, एज ए काउंसलर एंड एज अ एडवोकेट के रूप में क्या करता है, काम करता है। ठीक, क्योंकि अगर इस तरह से काम ना करे वो, तो आप खुद सोचिए कि जो चिल्ड्रन है वो आइसोलेशन, रोल कन्फ्यूजन, स्टेटस बैरियर, फेसिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी,
ब्रोकन फैमिली का जो जो मतलब जो भी उसका इम्पैक्ट है उसके पर्सनालिटी पे पूरा का पूरा निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ स्कूल सोशल वर्कर टूवर्ड्स स्कूल्स, और इसमें जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, तब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रूल रेगुलेशन होता है, उनके अपने जो बोर्ड मेंबर्स हैं, स्कूल इन्वायरमेंट है ना, फिर स्कूल जो क्लास टीचर है, स्टाफ है, अगर वो अनसपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन बिटवीन स्कूल, कम स्कूलों में भी क्या होता है आपस में क्या होता है कंपटीशन होते हैं, तो इन सब का भी प्रेशर कहीं ना कहीं टीचर्स पे भी आता है, और इन सब का प्रेशर कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स पे भी आता है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। ठीक भाई, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किस पे पड़ा? पेरेंट पे पड़ा है ना, छोटी छोटी एक्टिविटी, हर दिन एक्टिविटीज, आजकल देखिए हर दिन इतनी ज्यादा एक्टिविटीज कर रही थी, तो उसके लिए पेरेंट्स पे क्या होता है एक्स्ट्रा क्या होता है उनके जेब से निकलता है पैसा, तो वो कहीं ना कहीं अब वो साइकोलॉजिकल चिढ़े हुए गुस्से में आए, तो अब देखिए किस तरह से सबका आक्रोश असंतोष को कैसे स्कूल सोशल वर्कर क्या करता है, सप्रेस करता है, उनको क्या करता है सही रूप से मेंटर करता है। अब स्ट्रेस इशू होता है, हेल्थ इशू होती है, ठीक है, फिर हेल्थ इशू मतलब आप समझ लीजिए कि मेंटल हेल्थ की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि मानसिक रूप से तनाव होना सबसे बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है। फिर स्ट्रेस एंजाइटी फोबिया है ना, स्ट्रेस किस लेवल का होता है, एंजाइटी के रूप में आ गया, फोबिया के रूप में आ गया, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में आ गया, तो ये एक मेंटल प्रेशर बहुत हद तक टीचर्स को और स्टूडेंट्स को क्या करता है डिस्टर्ब करता है। अब डिस्टर्ब माइंडसेट से आप कोई अचीवमेंट्स आई डोंट थिंक सो क्या पा सकेंगे, नहीं पा सकेंगे, और उसके बाद फिर आप पे प्रेशर कि आपने क्यों नहीं पाया है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कूल सोशल वर्कर का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसी को समझता है कि किस प्रेशर से व्यक्ति गुजर रहा है, फिर स्ट्रक्चर बहुत इतना ज्यादा है कि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये इन सारे चीजों में एज ए कंसल्टेंट के रूप में काम करता है, एज ए इनोवेटर के रूप में काम करता है, एज ए मोटिवेटर के रूप में काम करता है स्कूल सोशल वर्कर। तो आज की चर्चा में हमने क्या क्या समझा, तो हमने रोल ऑफ सोशल वर्कर है ना, स्कूल सोशल वर्क किसे कहते हैं वो समझा, हिस्ट्री ऑफ स्कूल सोशल वर्कर कि जी जो स्कूल सोशल वर्कर था जो इंडिया में किस तरह से स्टार्ट उसको किया गया ICPS के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत, जिसमें कि उसको माना गया कि ये एज ए काउंसलर की तरह अच्छा रोल प्ले कर सकता है बच्चों के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में और टीचर और पेरेंट्स के बीच में और स्कूल जो अथॉरिटी बोर्ड है उनके साथ भी। तो ये आज के विषय में हमने सीखा। थैंक यू।